शुरू हो जाएगी। पाटा हसल वर्सेस कृष्णापुर के टकराव होगी। अभी देखते देखते चालू प्रारंभ शुरू हो गई। पाटा हसल के पैर में गेंद है, वह भी अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए बहुत ही नजदीकी का डिफेंडर के पैर में गेंद और वे हवाई मार्ग द्वारा अपना साथी खिलाड़ी को देना चाह रहे थे, लेकिन कृष्णापुर के पैर में गेंद चली गई। वो भी तेज तरार आगे की ओर लेके जा रहे हैं, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी है, वो भी अपना राइट हैंड को देते हुए और अभी भी कोशिश की थी, लेकिन देखते देखते टच लाइन से बाहर चली गई गेंद, कोई लाभ ना मिली कृष्णापुर को और ये गेंद सीधे गोलकीपर के हैंड में सुरक्षित और डिफेंडर द्वारा लंबी किक लगाते हुए और ये देखते देखते टच लाइन से बाहर चले गई। थ्रो का मौका हमारे कृष्णापुर के खिलाड़ियों को थ्रो के जरिए अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए वो भी अपना स्लोली गेंद आगे को ले जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और पीछे जो इसके पहले जो गेंद, हाँ अपने इंटर मास्टर लोग आप लोग थोड़ा निर्णय दे दीजिएगा हम लोग के यहाँ कौन जीती या कौन हारी। इसके पहले जो खेल हुई है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा प्रयास किया कृष्णापुर के द्वारा और हावी होकर अपने कब्जे में लेते हुए हमारे पाटा हसल के खिलाड़ी। और ये टच लाइन से बाहर चले गए गेंद, डोरो डोरो की जीत हुई। और इसके पहले जो खेल हुई थी उसमें पेनल्टी में डोरो जीत थी और पराजित हो गई गॉडफादर एफसी। उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, हम होंगे कामयाब। गौता साल के लिए हम होंगे कामयाब, एक दिन इसी मैदान से आप जीत के जाने के लिए ये वादा प्रॉमिस कीजिए। बहुत अच्छा प्रयास, 80 किलो का भार संभालते हुए हमारे कृष्णापुर के खिलाड़ी थ्रो के जरिए अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए बहुत अच्छा प्रयास किया। उधरिया के कप्तान महोदय आप कमेटी में आके संपर्क करेंगे। उधरिया के बहुत अच्छा सुनहरा मौके मिली है कृष्णापुर को, नौ नंबर खिलाड़ी अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा मौका थी, बदले के मौका चुन गई, कोई लाभ ना मिली कृष्णापुर को। पूरा प्रकरण जारी है उनका सिलसिला आगे को ले जाने के लिए और ये देखते देखते टकलाइन से पूरा चली गई गेंद बाहर और इसमें भी शायद कोर्नर का मौका मिला होगा कृष्णापुर को। उधरिया एफसी आप जहां कहीं भी हो केवल आप जल्दी आने का कष्ट करेंगे। हाँ जर्सी नंबर बता दीजिएगा भाई, मोटा आदमी की पतला आदमी कौन सा खिलाड़ी ने अपना करिश्मा दिखाया। नंबर बताएं, जर्सी नंबर कितना है? दो नंबर। पाटा हसल के खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आपके साथ एक गोल का लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ज्यादा गोल का लक्ष्य नहीं है, अगर आपको बराबरी करनी है तो आपको खेल में परिवर्तन करके दिखानी होगी। पीछे पड़ रही टीम आप भी प्रयास कीजिए और जो सोने से बढ़त बनाए वो भी और गोल डालने का कष्ट करेंगे।
जितना प्रतिभा, जितना कला, जितना कर्तव्य है इस मैदान में आप लोग दिखा दें। और ये देखते ही देखते टच लाइन से बाहर चले गए गेंद। ये चलती गेंद जैसे ही समाप्त होगी बेताज बादशाह जे एन सी लक्ष्मी बोसी ये भी बाहर में तैनात रहेंगे जैसे ये चलती गेम समाप्त होगी। मैदान सुनी नहीं होना चाहिए। सिटी संकेत द्वारा कुछ घटना घट गई है। हमारे संचालक महोदय आप ही लोग की मदद के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं आप ही लोग के प्रति कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका मिली है, पूरा सुनहरा मौका मिली है कृष्णापुर को। बहुत अच्छा उन्हीं के पर में गेंद लड़खड़ाती हुई। किस ऊपर के पक्ष में ये गेंद है वो अपने आप में कटिंग करके अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए वो भी अपना कटिंग करके आगे को ले जा रहे हैं। स्लोली पास देते हुए लेकिन हावियों के अपने कब्जे में लेते हुए पटाथल और वहां भी हावी होके अपने कृष्णपुर अपने कब्जे में लेते हुए अपने साथी खिलाड़ी को हवाए मार्ग में देते हुए बहुत प्रयास की है पुनः बराबरी करने के लिए लेकिन बाधा डालने में कम भी नहीं है। बेताज भद्रूडी बेताज बादशाह भद्रूडी आप कमेटी में आकर संपर्क करेंगे। बेताज बादशाह भद्रूडी आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो कमेटी में आकर संपर्क कर लेंगे। बेताज बादशाह प्रणव हावी हो गए अपने कब्जे में लेते हुए गेंद को आगे क्यों ले जा रहे हैं हमारे किसों पर। बहुत ही अच्छे करिश्मा दिखा रहे हैं हमारे इस पुष्प ब्रिज पटिका मैदान में। बहुत अच्छा प्रयास पुनः पड़ा हसन के पैर में ये गेंद है। दोनों ही खिलाड़ियों की गेंद पर चकमा खाते हुए पुनः उन्हीं के पैर में कटिंग करते हुए आगे क्यों ले जा रहे हैं हमारे पड़ा हसन के खिलाड़ी। बहुत ही अच्छे तरीके अपनाते हुए और पुनः उन्हीं के पर में गेंद है। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं हमारे पटना हसन के खिलाड़ी। बहुत ही लक्ष्य की पास खेलते हुए कोशिश की हुई है बराबरी करने के लिए उन्हीं के पर में लड़खड़ाती हुई गेंद कभी आगे की और कभी पीछे की हुई। बहुत अच्छा मौका किशोरपुर को मिली हुई है। अब देखते हैं अभी अंतिम मौका और ये कुछ हो सकती है घटना अभी देखते हैं क्या होगा। और बहुत अच्छा गेंद थी रसगुल्ले की जैसी लेकिन तब्दील हो गई रसगुल्ले की जैसी। बहुत प्रयास रद्द बावजूद कामयाब नहीं हो पाए हमारे कृष्णापुर के खिलाड़ी। पुनः प्रयास की हुई है और मौका पुनः मिल ही हुआ है। 60 किलो और 80 किलो का भार के ऊपर प्रभार किशोर के पैर में यह गेंद है। 9 नंबर अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए वो भी अपना लेफ्ट आउट को देते हुए लेकिन ये गेंद चली गई हमारे पाटा हसन के पैर में और स्लोली गेंद आगे की ओर ले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तकनीकी अपनाते हुए लेकिन चकमा खा गए किशोरों के द्वारा और ये देखते देखते ट्रिक लाइन से गेंद चली गई बाहर। थ्रो का मौका हमारे पाटा हसन को मिलेगी। बहुत अच्छा थ्रो के जरिए अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए वो या अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए टच लाइन से बाहर बार लेकिन ये गेंद पुनः चली गई टच लाइन से बाहर। बहुत अच्छा तरह के चलते अपना साथी खिलाड़ी को देते हुए आप देखते हैं क्या कर पा रहे हमारे पाटा हसन के खिलाड़ी। बहुत दूर से आई है कोशिश की हुई है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पा रहे हैं और गेंद चली गई टच लाइन से बाहर। अनिल महतो हमारे डोरों के अनिल महतो
आप जहां कहीं भी क्यों ना हो हमारे इस कमेटी में आपके संपर्क करने के, अनिल महतो। पीछे पड़ रहे पन्ना हसल के खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना हौसला बुलंद करके आप खेले मैदान में जितना देखते देखते सेकंड हाफ का खेल चालू प्रारंभ शुरू हो गई है। बहुत अच्छा प्रयास पटा हासिल के पर, पटा हासिल के पैर से अभियों के अपने कब्जा में लेते हुए पुनः पटा हासिल का पैर में यह गेंद है। आप देखते हैं क्या कर पा रही है, देखते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका मिली है और ये मौका में चौका लगा पा रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखते देखते टचलाइन से बाहर चली गई गेंद, कोई लापड़ा मिली ये सीधे गोलकीपर के हाथ में से बची और गोलकीपर ही अपना भूमिका निभाए डिफेंडर के रूप में। बहुत अच्छा प्रयास की है पटा हसल के पर में ये गेंद है। अब देखते हैं क्या कर पा रहे पटा हसल, बहुत अच्छा प्रयास। अब देखते हैं अभी कुछ भी हो सकते कुछ घटना घटाने के लिए किशनपुर आगे सोचे थे लेकिन सोचा सोचा ही रह गया, कोई लापड़ा मिले और बहुत अच्छा मौका मिली है हमारे पटा हसल को और उतने ऊंचा हाफ डिफेंडर अपना करिश्मा दिखाते हुए। आठ नंबर के खिलाड़ी के पर में ये गेंद है, राइट आउट आठ नंबर अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा इस छोर से उस छोर तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आठ नंबर के खिलाड़ी कृष्णपुर को। और ये गेंद सीधे आ गई है हमारे पाटा हसल के पैर में और ये धीरे के लिए उन्हें कृष्णपुर अपना लेट आउट कर देते हुए। बहुत अच्छा प्रयास और ये पुनः चली गई गेंद हमारे कृष्णपुर के पर में। आप कुछ भी घटना घटा सकते हैं, दो दो खिलाड़ी एक साथ टकरा और ये दिशाहीन होने के कारण कोई लाभ ना मिली, सीधे टच लाइन से बाहर चले गए। बहुत अच्छा करिश्मा दिखाए हमारे गोलकीपर महोदय ने। एड़ी चोटी एक कर दी है बराबरी करने के लिए हमारे पटा हसल के खिलाड़ी बारंबार प्रहार करते हुए भी नाकाम हो रही है और गोलकीपर चुंबक की तरह लपक लिया है। हाँ, इसके बाद मैदान में प्रवेश करेंगे पिताज बादशाह भरसे एनजेसी लखनऊ, ये भी बाहर में तैनात रहेंगे। चलती गेंद पर जो पिछड़ रहा है टीम वो भी एड़ी चोटी एक करके अपना करिश्मा दिखा रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं भी बढ़ रहे और ये देखते देखते किस लाइन से बाहर चलेगी गेंद, कोई लाभ ना मिली। समय बहुत कम है इसलिए आप लोग एक गोल से संतुष्ट नहीं तो और गोल डाल सकते हैं और पीछे पड़ रही भी टीम नहीं भी कर सकते हैं ज्यादा गेंद डालने के लिए तो बराबरी में लाने का कष्ट करेंगे। इसीलिए कहा गया है पंजाबी भाषा में कि रोटी खाओ खाना कम दिखाओ अपना पैरों का दम, रोटी खाओ खाना कम दिखाओ अपना पैरों का दम, जितना मार सकते हैं मारो डोरों का मैदान में चुन चुन के बड़ा बड़ा बम, जीत गया तो बल्ले बल्ले, जीत गया तो बल्ले बल्ले, हार गया तो जाना होगा तल्ले तल्ले। इसलिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कहीं भी इस तरह प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो मैदानी गोल पर ही ज्यादा देर कोशिश करेंगे कि जीतने के लिए, जीत पट का कोई भरोसा नहीं, प्लेंटी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा रहता है मैदानी गोल का। बड़ा मौका मिली है अब देखते हैं वो और हावी होके अपने कब्जे में लेते हुए। बहुत अच्छा लेफ्ट आउट को मिली हुई है हमारे कृष्णपुर के खिलाड़ियों को,
और धीरे धीरे अपना आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन गैर सुरक्षित जगह पर पहुंच गई, कोई लाभ न मिली कृष्णपुर को और ये गेंद गोलकीपर के हेड में सीधे सुरक्षित बैठे थे। बाबू बहुत अच्छा प्रयास की हुई है, ये चलती गेंद जैसे ही समाप्त होगी, बिताज बादशाह भोदरुड़ी, बिताज बादशाह भोदरुड़ी वर्सेज एनजे से लक्ष्मी कोसी, आप दोनों मैदान के इर्द गिर्द में रहेंगे, जैसे ही चलती गेंद समाप्त होगी दलबल के साथ मैदान में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा, और ये सिटी संकट द्वारा कुछ घटना घट गई, पूरा कोशिश की हुई है बराबरी करने के लिए पाटा हसन, और आगे जो ले जा रहे हैं पाटा हसन के खिलाड़ी, बहुत अच्छा मौका मिली हुई लास्ट अंतिम में, आप देखते हैं पटा हसन बराबर कर पा रही है या नहीं। बहुत अच्छा प्रयास दोनों टीमों के द्वारा, समय बहुत कम है, समय को देखते हुए संचालक महोदय खिलाएंगे। ये चलती गेंद जैसे ही समाप्त होगी, बिताज बादशाह भोदरुड़ी वर्सेस एनजेसी लक्ष्मी पोसी, ये दोनों बाहर में तैनात रहेंगे, जैसे ही चलती गेंद समाप्त हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में प्रवेश करेंगे। समय अंतिम छोर की ओर है, बहुत अच्छा प्रयास की है पापा हसन के खिलाड़ी, एक गोल से पीछे पड़ रहे थे, अपना हौसला बुलंद रखी हुई है, अब देखते हैं क्या कर पा रहे हैं हमारे कृष्णपुर के खिलाड़ी। और ये देखते देखते बहुत बड़ा गलती कर बैठे, और गलती की सजा उन्हीं को भुगतनी होगी, एक करेंगे गलती तो पूरा टीम को भुगतनी होगी, इसलिए ये अंतिम सजा के रूप में दी जा रहे हैं पाटा हसन को कृष्णपुर के द्वारा, ये अंतिम कॉर्नर की। बहुत अच्छा बाधा डालने में भी कम नहीं हमारे पाटा हसन के खिलाड़ी, और पूर्ण बढ़त बनाने के लिए कृष्णपुर के खिलाड़ी एड़ी चोटी हक कर दी है, और ये देखते देखते टाइम से बाहर चले गए गेंद, और ये देखते देखते